Hello, all my viewers. In this lecture, I am going to take this question from Irodo. That is question number 76 of laws of motion, Newton laws of motion. And the question is saying, in the arrangement shown, figure 1.19, which figure ka naam hai, the mass of body 1 is 4 times as the that of body 2. Matlab, iska mass 4m hai, aisa maan sakte hain, aur iska mass m hai, given m. Height given at 20 centimeter. The masses of the pulley and the threads as well as the friction are negligible. At a certain moment, body 2 is released. Body 2 matlab ye wali. The arrangement set in motion. What will be the maximum height? Body 2 ye wali. And this is one. What will be the maximum height that the body 2 will go up? Ye kitna upar maximum ja paayegi ye pucha hai. एक्चुअली इसमें ऐसा क्यों पूछा है कि कितना मैक्सिमम ऊपर जाएगी बिकॉज जब ये 4m वाला नीचे आएगा नीचे की तरफ तो ये कुछ देर बाद आके इसे टकरा जाएगा इस सरफेस से जैसे ही कोलाइड करेगा सब कुछ टेंशन लूज हो जाएगी तो उसके बाद टेंशन बचेगी नहीं तो इसलिए हमसे पूछा है कि मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है तो पहले देखते हैं कि उससे पहले क्या रहा होगा टकराने से पहले क्या होगा तो बिफोर कोलिजन की बात करते हैं यहाँ पे टेंशन टी है यहाँ पे टेंशन टू टी हो जाएगी लेट से कि जो ये ब्लॉक है आपके पास ये ऊपर की तरफ जा रहा है ए वन से एंड ये जा रहा है नीचे की तरफ ए टू से सो इनमें रिलेशन फाइंड कर लेते हैं बाय वर्चुअल वर्क डन मेथड वर्चुअल वर्क डन से कि इनके एक्सलेशन में क्या रिलेशन होगा कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन तो ऊपर फोर्स 2t है a2 नीचे है इन टू कॉस पाई हमने वर्क डन यूज किया प्लस t a1 cos 0 इक्वल टू 0 दैट मींस इक्वल टू माइनस 2t a2 प्लस t a1 इक्वल टू 0 a1 इज इक्वल टू 2 तो अगर मैं a2 को लेट कर लूं a तो a1 जो है वो 2 हो जाएगा ये हमने इक्वेशंस निकाल लिए दोनों के रिलेशन निकाल लिया आपस में अब इनकी इक्वेशन लिखते हैं मोशन की तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स होगी 4mg सो 4m वाले का बनेगा 4mg माइनस 2t इज इक्वल टू 4ma2 एंड हमको a2 को हमने a मान रखा तो उसको हम a पुट कर देते हैं 4ma 4mg माइनस 2t दिस इज इक्वल टू 2mg माइनस t इज इक्वल टू 2ma क्वेश्चन नंबर 1 अब चलते हैं एम के पास एम को देखते हैं क्या क्या हो रहा है तो एम पे टेंशन ऊपर है एम जी नीचे है और ये जा ऊपर रहा है दैट मींस कि टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए वन एंड ए वन इज इक्वल टू टू ए यहाँ से सो टू एम ए टी माइनस एम जी इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 1 + 2 तो दिस इज इक्वल टू एम जी is equal to 4ma and a is equal to g by 2 and a1 equal to g by 2 हमने दोनों ब्लॉक्स के एक्सलेशन निकाल लिए ठीक है अब देखते हैं कि ये तो एक्सलेशन आ गए कि कितने देर में ये कोलाइड करेगा सो टाइम टेकन टू 1 kg टू कोलाइड मतलब ग्राउंड से कितने टकराएगा तो इक्वेशन लगा लेते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए टू यू इज जीरो एस इज एच हाफ ए टू इज ए टू इज ए जी बाय फोर टी स्क्वायर सो टी इज इक्वल टू 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 एच बाय जीरो इतने टाइम में टकरा जाएगा ये ठीक है इससे तो अब देखते हैं कि इतने टाइम में इस ब्लॉक ये ब्लॉक कहां पहुंच गया होगा और इसकी स्पीड कितनी होगी ठीक है तो ये जहां पहुंच गया होगा वो देख लेते हैं तो अगर इस ब्लॉक ने जो आपके पास ये वाला ब्लॉक है तो डायग्राम सिंपल करता हूं दिस इज एक्चुअली ए वन था तो अगर
इस वन वाले ने एच ट्रेवल किया है, इस टू वाले सॉरी, अगर इसने ये एच हाइट ट्रेवल करी है तो ये जो ए वन वाला है ये इतनी ही देर में टू एच ट्रेवल करेगा, डबल टू एच, मतलब जब ये टकराएगा 4m इस ग्राउंड से एच ट्रेवल करके तो ये टू एच ट्रेवल करेगा, बिकॉज इसका एक्सेलरेशन डबल है इससे, ये डबल से मूव कर रहा है, ए वन टू ए। सो इन दिस टाइम m विल मूव हाइट टू एच, उस टाइम तक उसकी हाइट टू एच हो चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब ये टू एच ऊपर जा चुका है बिकॉज इसका एक्सेलरेशन जो है वो डबल था। अब क्या होगा, इस टाइम इसकी स्पीड कितनी है वो निकाल लेते हैं, वी वन कितना का होगा, दैट इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू वॉज जीरो, ए वन है जी बाय टू, उतना टाइम टाइम निकाल चुके हैं, टू एच बाई जी, एंड दिस इज इक्वल टू रूट टू जी एच, मतलब इतने टाइम पे इतनी स्पीड होगी इसकी, और जैसे ही टकराएगा एट द मोमेंट फोर एम कोलाइड्स, टेंशन बिकम जीरो, टेंशन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो अब ये ब्लॉक के पास ऊपर कोई फोर्स बचेगी नहीं, तो ये एक्सेलरेशन सारा खत्म हो चुका होगा, टेंशन कुछ है नहीं इस पे, तो सिर्फ इस ब्लॉक पे एक फोर्स है वो है ग्रेविटी, तो ये रिटार्ड करेगा ए इज इक्वल टू माइनस जी से। आपको इसकी स्पीड बता, सिंपल ये प्रोजेक्टाइल एक तरीके का, तो आप लगा सकते हो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, मैक्सिमम हाइट जब पहुंच जाएगा ये, मतलब ऊपर जा रहा है किसी स्पीड से और एक्सेलरेशन इस पर नेगेटिव लग रहा है नीचे की तरफ, ऊपर जाके किसी पॉइंट पे इसके पास स्पीड खत्म हो जाएगी सारी और वही इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। सो वी जीरो हो जाएगा उस पॉइंट पे, यू स्क्वायर कर लेते हैं टू जी एच, ये रहा यू वॉज बिकॉज दिस इज वी वन था, ये यू माइनस टू ए इज जी, एस निकाल लेते हैं, एस निकल के एच आ गया, दैट मीन्स कि एस और ऊपर जाएगा इस हाइट से, यहां से एच और ऊपर जाएगा, टोटल कितना चला गया, टू एच पहले से ऊपर आ गया था ये टकराने से पहले, एच और ऊपर जाएगा जब ग्रेविटी लगे खाली, तो टोटल हाइट होगी थ्री एच, एच की वैल्यू हमें बता दी 20 सेंटीमीटर, तो सपोर्ट कर लेते 6 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा या फिर 0.6 मीटर इसका आंसर होगा। तो आई होप कि आप लोग क्लियर होगा, थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन हमने इसको स्टेप वाइज किया है। तो दिस ऑल ऑन दिस क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।